दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट हो या रिलीजियस ट्रस्ट हो, पिछले कुछ समय में भारत सरकार की इन पर बहुत पैनी नजर है और उसके कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं और कुछ हद तक बहुत ज्यादा कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट ट्रस्ट के एंड पर अब सरकार के द्वारा अपेक्षित है। ऐसे में किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट जो इनकम टैक्स की धारा 12A और नई धारा 12AB में रजिस्टर्ड है, उनके लिए अपने अकाउंट्स की ऑडिट कराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ यही पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं कि कब चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को ऑडिट कराना आवश्यक है, ऑडिट कौन से फॉर्मेट में करानी है और यदि ऑडिट नहीं कराई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो आइए इसी डिस्कशन पर आपको आगे लिए चलता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात कि ऑडिट जरूरी भी है या नहीं, इस बात को हम कैसे समझे? तो मैं आपके सामने यहां ओरिजिनल टेक्स्ट यानी बेयर एक्ट से जो मैंने सेक्शन का रेफरेंस उठाना चाह रहा हूं, सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर आपसे चर्चा करूंगा और आपको कुछ लाइंस वहां से पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि अरे बटे जी आप हमारे को इतना एक्ट क्यों सिखाते रहते हो। दोस्तों एक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक बात करता है, इसलिए मुझे उसका रेफरेंस लेने में मजा आता है और मैं वहां जब बात करता हूं एक्ट के साथ तो आपको भी मेरी बात पर एक प्रगाढ़ विश्वास होता है कि हाँ ये बंदा जो बात कर रहा है ये एक्ट से बात कर रहा है। तो देखिए सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सबसे पहले बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 शेल नॉट अप्लाई। यानी एक ट्रस्ट को जो चाहे चैरिटेबल हो दोस्तों या रिलीजियस हो उसको 11 और 12 सेक्शन में एग्जम्पशन मिलती है, पर सेक्शन 12 की शुरुआत ऐसी है कि आपको 11 और 12 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी इन रिलेशन टू इनकम ऑफ एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपको 11-12 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब इसका एक क्लॉज भी है वो पढ़ता हूं, सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज भी, वेयर द टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर द अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर दैट ईयर हैव बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन बिलो सबसेक्शन 2 ऑफ 288 बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड द पर्सन इन रिसीट ऑफ इनकम फर्निशेस बाय दैट डेट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड बाय सच अकाउंटेंट एंड सेटिंग फोर सिच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैं बड़े आराम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मेरी बात को ऐसे समझिए कि सेक्शन 12 कुछ शर्तें देता है, जब तक वो फुलफिल नहीं करेंगे आपको एज अ चैरिटेबल एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। ये जो शर्तें हैं दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट शर्त है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में सब क्लॉज 2 में, जिसमें एक आ गया कि यदि एक ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के रूप में 11-12 सेक्शन का इंपैक्ट दिए बिना आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करती है तो आपको दो काम करने हैं, अन्य काम भी हैं लेकिन यहां ऑडिट से रिलेटेड दो काम करने हैं। आपको रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की बुक्स एक चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करानी है जो प्रैक्टिशनर हो और ये ऑडिट आपको स्पेसिफाइड डेट तक करानी है जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब फॉर्म में ड्यूली साइंड बाय सच अकाउंटेंट सबमिट भी करनी है, यानी केवल ऑडिट करा लेना सफिशियंट नहीं है, उस ऑडिट रिपोर्ट का ऑनलाइन अपलोड होना भी बहुत जरूरी है। अब ये दो बातें अगर मैं लेकर के चलूं तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि यदि आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है और आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो आपको सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो कौन ये रिस्क लेने को तैयार है? कोई भी नहीं होगा, इसलिए ऑडिट कराना मस्ट है। पर ये ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट कब है? जब बिना 11-12 सेक्शन का इंपैक्ट दिए आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक ट्रस्ट ने मुझे बोला कि अनूप जी मेरे पास में 50 लाख की रसीद है और मैं पूरे 50 लाख खर्च करके बैठा हूं तो मेरे पास में तो एक तरीके से निल इनकम है ना, अब अगर मैं ऑडिट नहीं भी कराऊं तो क्या दिक्कत है? मैं उनको बोलूंगा नहीं साहब 50 लाख का डोनेशन है, अगर 11-12 का इंपैक्ट नहीं देंगे तो पूरा डोनेशन ही आपका इनकम 50 लाख माना जाएगा और वो अबव एग्जम्पशन लिमिट है, ऑडिट कराना मस्ट है।
तो आई होप दिस क्लैरिटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कब एज अ चैरिटेबल एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप पर ऑडिट कराना जरूरी है। अब एक संक्षिप्त सी चर्चा कर रहा हूं कि ओके आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे पर एज अ ट्रस्ट चाहे चैरिटेबल हो या रिलीजियस हो ऑडिट एप्लीकेबल है, नहीं कराऊंगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि 11-12 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब उस ऑडिट की ड्यू डेट क्या है वो बात आपके सामने रख देता हूं कि यहां अभी जो मैंने आपके सामने सेक्शन 12 पढ़ा उसने ये कहा कि आपको सेक्शन 44AB में जो स्पेसिफाइड डेट है उस तक ऑडिट करानी, और सेक्शन 44AB दोस्तों टैक्स ऑडिट पर जो टाइम लिमिट होती है उसके लिए भी प्रावधान करता है। तो वहां स्पेसिफाइड डेट की डेफिनेशन दी गई, स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू एन असेसमेंट ईयर मींस डेट 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 139। यानी 139 एक सेक्शन में यदि किसी करदाता की ITR फाइलिंग करने की डेट सपोज 31 अक्टूबर है तो ऐसी परिस्थिति में ड्यू डेट उससे 1 महीने पहले एक्सपायर होगी यानी 30 सितंबर को। अब एक ट्रस्ट के लिए ड्यू डेट क्या होती है यदि वो व्याख्या में सेक्शन 139 से पिक करना चाहूं तो दोस्तों 139 में ड्यू डेट की व्याख्या दी गई कि एक ऐसे व्यक्ति के केस में, नाउ आई एम रीडिंग एक्सप्लेनेशन 2 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 2, अ पर्सन अदर देन कंपनी हूज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, उनके केस में ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। यानी सरल भाषा में कहना चाहूं तो ये कहूंगा कि एक ऐसा ट्रस्ट जिसको 11-12 की एग्जम्पशन लेने के लिए सेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली ऑडिट कराना आवश्यक है दोस्तों, उसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये है ITR फाइलिंग की डेट, और उनको ऑडिट कराने की ड्यू डेट मिलेगी 30 सितंबर। तो अब मैं और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वित्त वर्ष 22-23 के लिए एक ट्रस्ट के रूप में आपकी ITR फाइलिंग करने की डेट होगी 31 अक्टूबर 2023 और आपको फॉर्म 10B या 10BB जिन्हें मैं ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म कह सकता हूं उनको अपलोड करने की ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2023। तो आई होप दिस क्लैरिटी विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब बात कर रहा हूं दोस्तों कि चलिए मान लेते हैं कि एज अ ट्रस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन चाहे रिलीजियस हो चैरिटेबल हो, या मैं रिलीजियस चैरिटेबल दोनों की इक्वली बात कर रहा हूं, आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट कौन से फॉर्मेट में एप्लीकेबल है वो भी समझिएगा। देखिए मैंने हालांकि चर्चा यहां पर 12AB में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन पर ही कर रहा हूं, पर मैंने यहां जो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें सेक्शन 1023C के भी इंस्टीट्यूशन को शामिल कर लिया है। सेक्शन 1023C के जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों उनके तीन मेन क्लासिफिकेशन है, 1023C क्लॉज 3AB AC ये एक कैटेगरी, 3AD AE ये दूसरी कैटेगरी, और 6 और 6 है तीसरी कैटेगरी। ये जो तीसरी कैटेगरी है यहां अप्रूवल लेना जरूरी होता है और सेक्शन 12AB में भी जो रजिस्टर्ड है उनको भी अप्रूवल यानी रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है। तो इन दो कैटेगरीज को जो फर्स्ट दो कैटेगरीज हैं उन पर कोई ऑडिट की व्यवस्था स्पष्ट रूप से इनकम टैक्स एक्ट में रिक्वायरमेंट के रूप में नहीं, पर जो 12AB का इंस्टीट्यूशन है या जो 1023C क्लॉज 6(6) है, इसमें दो क्लॉजेस मैंने और नहीं लिखे, क्लॉज 4 या क्लॉज 5, इन इंस्टीट्यूशन को फॉर्म 10B अथवा 10BB में अपनी ऑडिट कराना आवश्यक है। आवश्यक है मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपने ऑडिट नहीं कराई तो आपको 11-12 की एग्जम्पशन 1023C की एग्जम्पशन फिर नहीं मिलेगी। अब नेचुरली आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि अनुप जी आपने फॉर्म 10B 10BB दो फॉर्म बोले, तो कब तो 10B एप्लीकेबल होगा और कब 10BB एप्लीकेबल होगा, वही चर्चा अब यहां करने वाला हूं कि 10B किन संस्थाओं पर लागू है। ऐसे ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिनकी टोटल इनकम वेदर रजिस्टर्ड अंडर 12AB और 1023C एक्सीड्स ₹5 crore विदाउट गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 11, 12 and 1023C। जैसे यदि किसी मंदिर में एक साल में सपोज दान आ गया 7 crore की राशि और उन्होंने पूरे 7 crore खर्च भी कर दिए, लेकिन 11-12 की एग्जम्पशन दिए बिना तो सर पूरी दान राशि इनकम है जो कि 7 crore है एंड दैट इज अबाउट 2.5 lakh, तो उस ट्रस्ट के लिए अपनी ऑडिट करानी है फॉर्म 10B में आवश्यक है। ऐसे ही The organization which receives in any previous year any foreign contribution, यदि आपको विदेश से चंदा आता है तो भी आपके ऊपर फॉर्म 10B एप्लीकेबल होगा। इसी प्रकार where the income of trust or institution is applied outside India, even if income is below ₹5 crore and the organization has not received any foreign contribution, तो ये दो क्लॉजेस बड़े
इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। इन दो क्लॉजेज लास्ट सेकंड और थर्ड में ये बात की गई, यदि आपको विदेश से चंदा आ रहा है तो आपको फॉर्म 10B में ऑडिट करानी है। और जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है यदि आपने विदेश में कोई एप्लीकेशन ऑफ इनकम किया है तो भी आपको ऑडिट कराना है फॉर्म 10B में, चाहे आपकी ग्रॉस रिसीट या आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो तीन कैटेगरीज हैं जहां 10B एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट, जो 12AB में रजिस्टर्ड है और बिना 11-12 का इंपैक्ट दिए जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। 5 करोड़ से कम वालों पर भी 10B तब एप्लीकेबल है जब उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है या जो फॉरेन में खर्चा करते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज में फॉर्म 10B एप्लीकेबल होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब बात कर रहा हूं दोस्तों फॉर्म 10BB कब एप्लीकेबल है। जस्ट रिवर्स कर दीजिए 10B का तो आपको 10BB की शर्तें मिल जाएगी। वेयर द टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वेदर रजिस्टर्ड अंडर 12AB और 1023C विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 11 एंड 12 और 1023C इज अप टू ₹5 करोड़, यानी 11-12 का इंपैक्ट दिए बिना आपकी इनकम यदि 5 करोड़ तक है तो आपको 10B नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है 10BB फाइल करना है। इसी प्रकार साथ साथ और दो शर्तें हैं कि आपको कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला और आपने अपनी इनकम का कोई एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया नहीं किया है। तो यदि ये तीन शर्तें पूरी हो रही हैं तो आप पर 10BB एप्लीकेबल होगा, अन्यथा 10B होगा। मैं इस वीडियो में दोस्तों 10B 10BB फॉर्म पर विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहा, यहां केवल आपको एक क्लासिफिकेशन दिया है 10B और 10BB फॉर्म कब एप्लीकेबल है। हाँ, 10B फॉर्म काफी डिटेल्ड फॉर्म है, 10BB फॉर्म उससे काफी संक्षिप्त फॉर्मेट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग मैं यहां डेवलप कर रहा हूं। बात कर रहा हूं दोस्तों कि किसी ने मुझसे पूछा अनूप जी मान लीजिए ऑडिट नहीं कराए, व्हाट इफ ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड, तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा। पहली बात, एनी इंपैक्ट ऑन एग्जम्पशन बेनिफिट, आपने जिस वित्त वर्ष के लिए ऑडिट एप्लीकेबल है अगर आपने उस वित्त वर्ष के लिए ऑडिट कराई नहीं अंडर सेक्शन 12A विद रेफरेंस टू फॉर्म 10B और 10BB तो आपकी उस साल की सेक्शन 11 और 12 की एग्जम्पशन गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और बहुत से ट्रस्टों से पास्ट में ऐसी गलतियां हुई हैं कि उन्होंने ऑडिट नहीं कराई, रिटर्न भर दी। केवल रिटर्न भरने से आप 11-12 की एग्जम्पशन लेने के हकदार नहीं बनते अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में चर्चा की थी, और आपने ऑडिट नहीं कराई तो सीपीसी भी जब आपकी रिटर्न प्रोसेस करेगी तो आपको एग्जम्पशन उड़ा करके वो कैलकुलेशन करेगी टैक्स का। एनी इंपैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ये भी क्वेश्चन आया मेरे सामने, तो मेरा यहां पर ये ओपिनियन है सर, प्राइमा फेसाई अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है और आप ऑडिट नहीं कराते तो आपके रजिस्ट्रेशन पर कोई गाज नहीं गिरती। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास सिग्निफिकेंट डोनेशंस हैं, इनकम है, और वो ट्रस्ट भी ऑडिट नहीं करा रहा, तो कल वो असेसमेंट के रडार पे आएगा, और असेसमेंट में अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस मिल गई तो उसका इंपैक्ट आपके रजिस्ट्रेशन के विड्रॉल के रूप में भी भविष्य में देखने को मिल सकता है। तीसरी बात, क्या ऑडिट नहीं कराने की कोई पेनल्टी है? मेरी ओपिनियन में दोस्तों कोई स्पष्ट पेनल्टी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं है सेक्शन 12A की ऑडिट नहीं कराने, लेकिन अपने आप में यह किसी पेनल्टी से कम नहीं है कि आपको रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसमें आपको ऑडिट करानी थी आपने नहीं कराई तो आपको 11-12 की एग्जम्पशन ही नहीं मिल रही, यही अपने आप में बहुत बड़ी पेनल्टी है। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। सो टू एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई मे सजेस्ट दैट प्लीज बी वेरी केयरफुल इफ यू आर रनिंग अ चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और यू आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टीम ऑफ सच चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट इफ द ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रस्ट एज पर सेक्शन 12A यू गेट योर अकाउंट्स टाइमली ऑडिटेड, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गेट दैट पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट अपलोडेड एज वेल एज एक्सेप्टेड बाई यू थ्रू योर पोर्टल। सो ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। So, मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो मैंने यहां पर एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।